Welcome to the video solutions of previous year questions which have been asked in NEET and AIPMT by Nivedita class. If you like these videos, please subscribe us, please like our videos and share it among your friends. This question was asked in AIPMT 2011. What our question says, a particle covers half of its total distance with speed v1 and rest half of the distance with speed v2. Now we have to find what is the average speed. But I intuitively lagta hai yaar average nikalna hai, v1 aur v2 ko average nikal dete hain. Lekin dhyan rakhiye, ye answer aapka galat hai. Ye question jo hai different tarike se different jagah pucha jata hai. Aapko pata hona chahiye kahan pe simple average, jisko average bolte hain ya arithmetic mean bolte hain, usko use karna hai aur kahan harmonic mean ko use karna hai. Agar hame diya gaya hai कि एक बॉडी चल रही है और ये डी डिस्टेंस उसने v1 वेलोसिटी से चला, ये रिमेनिंग डी डिस्टेंस v2 से चला, तो यहाँ डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ध्यान रख लीजिए यहाँ हार्मोनिक मीन लेंगे. ठीक है, अगर एक बॉडी पहले टी टाइम के लिए v1 स्पीड से चली, फिर टी टाइम के लिए v2 स्पीड से चली, तो यहाँ टाइम सेम है, यहाँ अर्थमेटिक मीन लेंगे. अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब होता है, एवरेज जिसे हम जनरली बोलते हैं, सभी वेलोसिटी को ऐड कर दें, उसके काउंट से डिवाइड कर दें, तो इस केस में अर्थमेटिक मीन मेरा हो जाता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2. हार्मोनिक मीन जो होता है वो रेसिप्रोकल्स का मीन होता है. ठीक है, रेसिप्रोकल्स का मीन होता है और उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा, लेकिन ध्यान रखिए हार्मोनिक मीन v1 और v2 का जब निकालेंगे तो इट विल बी 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है, सबसे पहले तो इसी सिनेरियो की बात करते हैं. हमारा वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, वेलोसिटी का रिलेशन है इट इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, जब डिस्टेंस सेम होगा तो ध्यान रखिए हार्मोनिक मीन लेंगे, जब हमारा टाइम सेम होगा तो ध्यान रखिए अर्थमेटिक मीन लेंगे. ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक और हल्के से डिफरेंट सिनेरियो में बताता हूँ. आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होता है, डेंसिटी, डेंसिटी होता है रो दैट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. क्या है पॉइंट क्लियर है? अब हमें क्वेश्चन पूछा गया कि दो अलग अलग लिक्विड हैं, एक की डेंसिटी रो वन, दूसरे की डेंसिटी रो टू, और दोनों के एम के जी मास को हमने मिला दिया, तो जो अब नया हमारा लिक्विड बना उसकी डेंसिटी कितनी है? इसमें देखिए मास इक्वल है, न्यूमरेटर इक्वल है, जैसे कि डिस्टेंस इक्वल होने पे कौन सा मीन लेते थे, हार्मोनिक, तो यहाँ पे भी हार्मोनिक मीन लेंगे और हम बोलेंगे हमारा आंसर है 2 रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1 प्लस रो 2. इसी क्वेश्चन में बोलता कि हमने दोनों फ्लूइड मिलाए, दोनों लिक्विड मिलाए, दोनों का वी लीटर वॉल्यूम ले लिया, तो सेम क्या लिया, डिनोमिनेटर सेम लिया. जैसे टाइम अगर सेम लिया होता तो कौन सा मीन लेना था, अर्थमेटिक, तो यहां वॉल्यूम सेम लिया तो कौन सा मीन लेंगे, अर्थमेटिक. आंसर क्या हो जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो यहां पे क्योंकि डिस्टेंस हाफ ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस बेसिकली सेम है, तो हमारा आंसर होगा बी. ठीक है, इसको अगर हम कन्वेंशनल मेथड से निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दिया कि कब आपको अर्थमेटिक मीन लेना है और कब आपको हार्मोनिक मीन लेना है. ठीक है, तो देखिए अगर हमें दिया गया क्वेश्चन और कन्वेंशनल मेथड से हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस है डी और ये डिस्टेंस डी, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d. ठीक है, अगर मेरी स्पीड जो है लेट से कि अब मेरी वी स्पीड है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस में कितना चला 2d, टाइम कितना लगा, यहां टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस पता है वेलोसिटी पता है, तो टाइम हो गया मेरा d डिवाइडेड बाय v1, यहां पे टाइम कितना लगा होगा रिमेनिंग हाफ में, ये हो गया d डिवाइडेड बाय v2, d अपना कैंसिल आउट हो गया, v1 इंटू v2 मेरा एलसीएम आएगा, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 v2. ये v1 v2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मुझे जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी दैट विल बी 2 v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2.
विच इज़ आर हार्मोनिक मीन। क्लियर? तो हमारा ये बी जो है ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हार्मोनिक मीन जैसे मैंने बोला इन्वर्सिस का मीन होता है, अर्थमेटिक मीन एक्चुअल वैल्यूज का मीन।